पी uh, ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो नाइट्रोजन शो कर सकता है वो कर सकता है फोर की क्योंकि यही एक एस और तीन पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जाएंगी इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी यहाँ पे समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया की बात करें जैसा कि हम देख सकते हैं नाइट्रोजन की पी ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम छह इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो इसमें मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो अमोनिया के केस में क्या हो रहा है नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो यहाँ पे अगर हम अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये एक एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में लाइक like दिस तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं अब नाइट्रोजन के पास में ये जो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एज अ लोन पेयर होते हैं अब मान लीजिए अगर हम बात करें अमोनियम आयन के केस में तो क्या होता है ये जो H पॉजिटिव है ये वन साइडेड शेयरिंग कर रहा होता है इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां पे ये बन जाएगा इस वाले H के साथ में डेटिव बॉन्ड और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज लाइक दिस लाइक दिस तो ये जो मैक्सिमम कोवेलेंसी यहां शो कर रहा है अगर हम देखें तो यहां पे कितने की शो कर रहा है ये फोर की शो कर रहा है तो नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फोर तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सो आई एल जस्ट कंक्लूड इट हेयर नाउ आई एल जस्ट राइट इट एट द एंड करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज इज ऑप्शन ए I hope you understood the explanation. Thank you.